आपको सिर्फ मेरी गलती नजर आती है, वकार की तरफ क्यों नहीं देखती हैं आप? आप नहीं देखती कि वो मुझसे कैसे सुलूक करता है, क्या क्या बातें करता है? उसकी माँ हर वक्त उसके कान भरती रहती है और उसकी बहन तंग आ गई। बेटा अपनी जिम्मेदारियों को समझो। देखो वकार हर वक्त तो गलत नहीं हो सकता ना। बेटा कब तक? अस्सलाम वालेकुम। अरे सब सरप्राइज। हाय मेरा बच्चा, मेरे क्या हाल है मचान? मैं ठीक हूँ, लेकिन उफ इतने अरसे बाद तुम्हें देख रही हूँ। लेकिन आने की इतला क्यों नहीं दी? मैं बताता हूँ, मैं जरा अपनी आपी से तो मिल लूँ। गुस्सा थूकते हैं। मुझे बात नहीं करनी तुमसे। भारिया आप इतने सालों के बाद आए हो, बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, मिल तो लें। मैंने कहा है तुमसे नहीं मिलना, मिल तो लें। खैर इसे छोड़ो, तुम इधर आओ मेरे पास बैठो, पागलों की लड़की, इधर आओ। आप सुनाएं क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो और ये अचानक कैसे आना हुआ? देख लें। कहाँ है सारे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फरवा है। सारा भाभी कहाँ है? खैर आपको पता है कितना खाली लग रहे हैं उनके बगैर, कमरे में अपने। I think so. मैं सरप्राइज दे के आता हूँ। इतने सालों बाद आया, बिल्कुल नहीं बदला। सारा भाभी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना अचानक? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कुछ एक्साइटेड नहीं लग रही मुझे देख के। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा देवर आया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भाभी सब ठीक तो है ना? फ्लाइट कैसी रही तुम्हारी? भाभी कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ बताएंगे क्या हुआ है? कोई बात नहीं है। कुछ खाया तुमने? चलें शुक्र है किसी ने तो पूछा इस घर में खाना आना, लेकिन मैंने सिर्फ आपके हाथ का खाना है और चाय भी पीनी है। चलें चाय पिलाऊं आपको। एक मैसेज तक तो होता नहीं था तुमसे। भाभी मैं आपको बता नहीं सकता मैंने आपको कितना मिस किया है। मुझे अभी इतने सालों बाद आया, मिस किया, एक कॉल तक तो की नहीं तुमने मुझे। भाभी आपको तो वहाँ की बिजी लाइफ का पता है, रोबोट्स की तरह रहते हैं हम लोग। हाँ तो मिस्टर रोबोट अब इंसान बन जाओ ना। नहीं मैं तो इसीलिए आया हूँ कि सारे जरा थोड़ा इंजॉय करें। इंजॉयमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन अब करेंगे हम तुम्हारी शादी। हाँ इसीलिए तो आया हूँ कि आप इना की तरफ मेरा रिश्ता लेकर जाएं अब। तो कमिटमेंट भी हो गई और बताया भी नहीं। वेरी गुड। तो अब बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ हमें क्यों बताओगे तुम? और अब तो हिना आ जाएगी तो फिर तो। भाभी ये आपकी फ्रेंड के साथ आपके टर्म्स तो अच्छे हैं ना? हाँ बहुत अच्छे। क्यों? आई डोंट नो,
मुझे सच्ची वाइब्स नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छी है। अच्छा खैर, चाय पीनी है ना, जाओ बनाने। हाँ चाय पीने आयो ना, तो दूसरे तुम मुझसे चाय, आपकी चाय प्लीज सर, मैं चाय लेकर आती हूँ। करती हो मारिया, इंसान मौका महल देख लेता है। सऊद तुम्हारा भाई है, दुश्मन नहीं। इतने सालों बाद पाकिस्तान वापस आया और तुमने सब कुछ भुला के उसे मिलना गवारा नहीं किया? हाँ अम्मी, उसने मेरे साथ भाइयों वाला सलूक नहीं किया है। आपको पता है वकार ने मेरी कितनी इंसल्ट किया आपके इस लाडले बेटे की वजह से। बेटा झगड़ों से रिश्ते नहीं टूटते, ये खून के रिश्ते हैं, कत्लो गारत के बाद भी इसी तरह कायम रहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बकार मुझे कत्ल करके गारत कर दे, लेकिन आप अपने लाडली बेटी की ही साइड देंगे। इसकी नौबत नहीं आएगी। सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मसला सुलह सफाई से हल हो सकता है, उसमें नाराज होने की क्या जरूरत है। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि सॉरी, अगर आप लोग बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, आ जाओ आ जाओ, तुमसे क्या छुपाना, तुम भी इस घर की बेटी हो। बस मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सऊद के साथ तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारा रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था, तुम्हें आगे बढ़ के मिलना चाहिए था उसे। अम्मा जान बिल्कुल ठीक कह रही है मारिया, आप ही गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने मसलों को हल करना है। अच्छा तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? बकार ने मेरी कितनी इंसल्ट किया सऊद की वजह से। हाँ हाँ, तो इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है, आप भी तो सऊद से अपने बहुत सारे काम करवा सकती हैं। क्या मतलब? आज हम सब इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे और मजे मजे की बातें करेंगे। मैं अम्मा जान को बुला के लाता हूँ। वाह वाह सारा, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। हाँ पहले तो तुमने फवाद को उसकी माँ और बहन के खिलाफ किया, और अब जब से सऊद आया है इसके साथ मिलके तुम हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रही हो। आप कैसी बातें कर रही हैं? कौन सी प्लानिंग? ये बात करने का तरीका होता है, कैसे बात कर रही हैं? तुम तमीज सिखाओगे मुझे कि बात किस तरह की जाती है? तुम मुझे बताओ, जब से तुम वापस आए हो क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम मेरे खिलाफ? बोलो कौन सी प्लानिंग, क्या बात कर रही हैं, कुछ बताएं। हिना, हाँ हिना से शादी करोगे तुम? लड़की से शादी करोगे जिसके भाई ने तुम्हारी बहन को घर से निकाल दिया, उसके साथ तुम शादी करोगे? होने देती हूं मैं तुम्हारी शादी? हाँ होने नहीं दूंगी। ये सब सारा के साथ मिलकर तुमने प्लानिंग की है ना? मुझे अंदाजा नहीं था घर का माहौल इतना खराब हो चुका है। पर आप भी एक बात सुन लें, पाकिस्तान वापस हिना से शादी करने के लिए आया हूं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी सऊद, और मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगा। और आप कब से मेरी जिंदगी के फैसले करने लग गई हैं? हाँ अच्छा बस करो, तुम दोनों आते ही शुरू हो गए हो। अच्छा सीन क्रिएट किया आपने।
ये हिना की बात तो मैंने सारा भाभी से की थी, अम्मा जान को जाके यकीनन आपने ही बताया होगा। शर्म करें, कुछ शर्म करें। अम्मा जान घर का माहौल ऐसा तो नहीं था, अच्छा रोल प्ले कर रही हैं ये खराब करने में से। बस करो, बहुत हो गया। करके रख दिया है, शर्म करो फसादी औरत। सऊद के आते उसे भी भड़काना शुरू कर दिया तुमने। मैं फसादी है वो जिसने आपके कान भरे हैं मारिया भी। एक मिनट, अपनी गलतियां दूसरों पे मत थोपो। अब तुम्हारी असलियत खुलने लगी है, सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। दुआ करती हूँ इस घर वालों के सामने तुम्हारी असलियत भी जल्द खुले। समझ में नहीं आता है अम्मी, अभी भी आपको नजर नहीं आ रहा कौन फसाद फैला रहा है? जब तक ये फसादी औरत इस घर में रहेगी, इस घर का माहौल सही नहीं होगा। आप कब लेंगी फैसला? अस्सलामुअलैकुम फवाद भाई। वालेकुम अस्सलाम सऊद, तुम? जी वो मैं अभी घर पहुंचा था। अरे व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हाँ वो बस आप बताएं, घर कब वापस आ रहे हैं? क्या बखैरियत, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। थोड़ा अपसेट, बहुत ज्यादा अपसेट हूँ यार फवाद भाई, घर के माहौल को हो क्या गया है? मेरा दिल चाह रहा है मैं भी वापस चला जाऊं। रिलैक्स यार, इतना हाइपर ना। आप जल्दी घर वापस आ जाए, मुझे आप सबसे बात करनी है। अभी तो मैं ऑफिस में बिजी हूं, मैं शाम में जल्दी आने की कोशिश करता हूं, तुम रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, मैं वेट कर रहा हूं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हां बाय।